तो सदन के अंदर युवकों के कूदने के घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद और मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह ने चौंकाने वाली जानकारी दी। सत्यपाल सिंह ने ये बताया कि कैसे घटनाक्रम हुआ और ये कैसी सुरक्षा के लिए नया खतरा है। सुबह में बड़ी घटना हुई है और क्या घटनाक्रम है ये बात करने के लिए खुद हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जुड़ गए हैं सत्यपाल सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सत्यपाल जी ने पहला सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या, आपने वहाँ क्या देखा? देखिये, लोकसभा के अंदर जीरो आवर चल रहा था, जीरो आवर के अंदर एक जो ऊपर की विजिटर्स गैलरी थी भरी हुई थी, उसमें से हमने दो लड़कों को मैंने ऊपर से युवाओं को कूदते हुए देखा। पहले लटके ऊपर से, लटके बाद वो नीचे कूद गए और वो कुछ स्लोगन भी, कोई नारेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन वो कुछ दिखाई मालूम सुनाई नहीं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे थे, क्योंकि माइक चल रहा था लोकसभा का, तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं हुई। उसके बाद जैसे उसको नीचे कूदे तो हमारे को एमपी दौड़े उनकी तरफ से और वो नीचे पीछे से कूद करके आगे बढ़ रहे थे, स्पीकर की तरफ जो है मान ली फ्रंट में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ही वो पकड़े गए। एक तो अब बीच में पकड़ा गया, दूसरा पीछे ही पकड़ा गया। हमारे एमपी लोगों ने, सुरक्षा के लोग भी बाद में आए, लेकिन हमारे एमपी लोग जिन्होंने काम किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसे उनको पकड़ा उसके बाद उन्होंने वो जो है एक बहुत ही पीली गैस जो थी, येलो कलर की गैस जो आवाज है हॉल के अंदर छोड़ दी और धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। और ये मुझे लगता कि काफ़ी एक प्रकार की, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ही ज़्यादा फेटल कोई गैस थी, बट ये काफ़ी निश्चित रूप से जो सांस में आ रही थी उसमें बदबूदार गैस थी। लेकिन एक ये आप कहेंगे कि हमला था ये ऐसे वक्त जब संसद में आतंकी हमले की बरसी यहाँ पर मनाई जा रही थी, श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही थी, ये घटना हुई है? तो ये कहता निश्चित रूप से हमारा सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लैप्स है, बहुत बड़ी एक चूक है, इसका पूरा जो है एक जो है ज्वाइंट टीम बना करके दिल्ली पुलिस को, यहाँ की उसको एजेंसी को और हमारी इंटेलिजेंस को सबको मिल करके इसका पूरा जाँच करना चाहिए। फिलहाल इन युवकों का क्या हुआ है सर? अभी उसको पकड़ लिया, सुरक्षा के उनको सुरक्षा को सौंप दिया गया, सुरक्षा कर्मचारी को सौंप दिया गया, सुरक्षा कर्मचारी लेकर के उसमें आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। अब पुलिस में रहे हैं आप, मुंबई पुलिस में आपने काम किया है, करीब से देखा है कामकाज को, अब जब सिक्योरिटी काफी टाइट थी, नया संसद भवन और कार्रवाई चल रही थी, ये घटनाक्रम हुआ है और ठीक उस दिन जिस दिन आतंकी हमला हुआ था, आज से 22 साल पहले बरसी मना रहे हैं हम और ये घटनाक्रम हुआ है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, निश्चित रूप से हमारी सिक्योरिटी का सुरक्षा में एक बहुत बड़ी एक चूक है और सुरक्षा एजेंसी जो सुरक्षा करते हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा किन लोगों को कैसे उनको पास मिले, ये कौन लोग थे, अंदर गैस लेकर के कैसे चले गए, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद ऊपर भी देखना पड़ेगा, जो हमारे सुरक्षा के लोग ऊपर बैठे हैं सुरक्षा की गैलरी में जो रहते हैं उनको भी ध्यान देने की जरूरत है, किस प्रकार आगे कोई नहीं कूदे वहाँ पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। और एक बड़ी सुरक्षा चूक यहाँ पर देखने को मिली है और जो मौजूद रहे हैं सदन के अंदर सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह इस घटनाक्रम को बता रहे थे, लिहाजा इसके बाद हलचल बढ़ी हुई है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।